देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो एपी के बारे में स्टार्ट कर दिया था। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी एनथ टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है, फिर ए प्लस डी होती है, फिर ए प्लस टू डी होती है, और इसी तरह से चलते जाते हैं। ए वन है, फिर ए टू है, फिर ए थ्री आती है, चलते जा रहे हैं, एनथ टर्म आती है, और जो अगली टर्म आती है वो पहली टर्म में डी ऐड करने से आती है। ठीक है, डी ऐड करने से आती है, बिल्कुल हर्षित यही बात है बेटा। और इस डी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसे हम कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। ओके, और भाई फर्स्ट टर्म हमने बताया था ए होती है, इससे अगली टर्म डी ऐड करने से आएगी, तो अगली टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, फिर उससे अगली टर्म में और डी ऐड कर दो तो मिल जाएगी ए प्लस टू डी, देन ए प्लस थ्री डी, कंटिन्यू करते हैं आ जाता है ए प्लस फोर डी। ये बताया गया था कि अगर हमारे पास, देखो, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए वन, सेकेंड टर्म है ए टू, थर्ड टर्म है ए थ्री, फोर्थ टर्म है ए फोर, फिफ्थ टर्म है ए फाइव। देखो, जब फाइव है तो यहाँ फोर आ रहा है, फोर है तो थ्री आ रहा है, थ्री है तो टू आ रहा है, टू है तो वन आ रहा है, वन है तो आ ही नहीं रहा। तो ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ए एन हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसलिए आपके पास ये एनथ टर्म का फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाते 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 एक सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला भी आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें आपको ये बताया था कि भाई सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब होता है, अगर याद हो रजिस्टर के पेज को जरा आप पलट के देखो, आपको ये बताया गया था एन टर्म्स का सम मतलब एन बाई टू पेयर्स, एन बाई टू पेयर्स का सम। और एक पेयर का सम कितना होता था? फर्स्ट प्लस लास्ट को ऐड कर लो, क्योंकि आप ये जानते हो कि भाई जो ए वन प्लस ए एन से आएगा बच्चों, वही हमारा किससे आएगा? ये मैंने बेटा सब बताया था लास्ट क्लास में, ये बता दिया था। अगर किसी ने मीटिंग लीव ना करी हो तो ये सारी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस हुई, बिल्कुल लास्ट में डिस्कस हुई थी ये। ठीक है, मैं आपको रिकॉल कराता हूं, जब मैंने कहा था ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, बल्कि इस पे मैंने क्वेश्चन भी पूछे थे आपसे। ठीक है, तो ए वन और ए हंड्रेड का सम, ए टू और ए 99 का सम, ए थ्री और ए 98 का सम, सबका इक्वल होता है। ये सारी बातें हुई थी या नहीं हुई थी बताओ? फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये भी तो पूछा था, ए 30 में बताओ क्या ऐड करें जिससे कि वो ए वन प्लस ए 100 के इक्वल हो जाए। ये सब कराया था हमने बच्चे। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला पता है, sn का फॉर्मूला पता है, आगे बढ़ते हैं। एक और बात है, जरा एपी के रिगार्डिंग सोच के बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है। देखो बच्चों, हाँ, एक हमारे पास एपी है, फॉर एग्जाम्पल वन है, फोर है, सेवन है, टेन है, 30 है। ठीक है, क्या ये टर्म्स एपी में है या नहीं? पहली बार बताओ, क्या ये एपी में है या नहीं? चेक करो सारे बच्चे, बताओ जल्दी से क्या ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, एपी है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एपी की हर एक टर्म में
एपी की हर एक टर्म में मैं 2+ कर देता हूं, मैंने +2 करा तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा और 15 आएगा। अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस डी यहां पर 3 था और मैंने मैंने क्या करा, हर एक टर्म में मैंने +2 करा है, तो अब ये बताओ क्या ये अभी भी एपी है या नहीं है, बस ये बताओ क्या ये अभी भी एपी है या नहीं। नहीं अनंत, देखो कॉमन डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ा है, कॉमन डिफरेंस अभी भी उतना ही है। कुछ बच्चों को लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस बदल गया, चेक करो कॉमन डिफरेंस में चेंज ही नहीं हुआ। आप बस ये बताओ सोच के, अगर मैं एपी की सारी टर्म्स में एक ही क्वांटिटी प्लस कर रहा हूँ, एक ही नंबर प्लस कर रहा हूं, तो क्या वो एपी रहेगी कि नहीं रहेगी। न्यू कॉमन डिफरेंस स्टिल 3, बिल्कुल सिर्फ फर्स्ट टर्म चेंज हुई है कोमल, वेरी गुड, वो अभी भी एपी है और वही कॉमन डिफरेंस आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं आप कॉमन डिफरेंस पे ज्यादा फोकस मत करो, अभी आपका सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि क्या ये अभी भी एपी है या ये एपी नहीं है। सब में मैंने एक ही नंबर प्लस करा, ठीक, और चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है आगे बढ़ते, बिल्कुल मैंने एक ही नंबर प्लस करा है, चेक करके बताना ये अभी भी एपी है या नहीं। मैंने सब में से 4 माइनस कर दिया, एक ही नंबर माइनस करा है, चेक करो चेक करो और बताओ क्या ये अभी भी एपी है या नहीं, बताओ चेक करो एपी है या नहीं। एपी है, बिल्कुल एपी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वत्सल भाई तुम्हारी टाइपिंग का मैं फैन हूं हमेशा से, पता नहीं कैसे करते हो पर बहुत बढ़िया करते हो। इस बिल्कुल ये अभी भी एपी है, मैं रिपीट करूंगा, राजनंदन बेटा डी पे फोकस मत करो, डी पे फोकस मत करो, बस आप ये देखो एपी है या नहीं, बस इतना इतना करो। जब मैं बताऊंगा आगे तब सोचना, आप उतना सोचो जितना अभी कहा जा रहा है, पता है हमें जरूरत ही नहीं इतनी मेहनत करने की, ठीक है। ओके अब मैं कह रहा हूं मैंने सब में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करा, कोई भी एक नंबर लाइक 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो आसान रहेगी, 2 की कर देते हैं तो कितना आएगा, -2। हमने टर्म्स को 4 से माइनस करना है या 4 को टर्म्स, बेटा 4 को माइनस करा, हमने क्या करा 3 माइनस 4 करा था, 6 माइनस 4 करा था, ठीक है। अब एपी नहीं रहा, चेक करो बेटा मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई करा है, चेक करो एपी है या नहीं, चेक करो बच्चों चेक करो। अच्छा एपी नहीं है, अरे 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 एपी नहीं है बेटा, चेक करो कैसी प्लस माइनस कर रहे हो, केयरफुली ध्यान से करो, ध्यान से चेक करो बेटा, फंस जाओगे वरना। अरे शिवम बेटा है चेक करो, है डी चेंज हो गया, डी को तो हम देख ही नहीं रहे कितना हो रहा है, हम बस ये देख रहे हैं क्या ये एपी है या नहीं। शिवम एपी है मेरे लाल, आप कैसे कह रहे हो एपी नहीं है, +6 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा ये बताओ, +6 हो रहा है शिवम, ये बात सबको क्लियर है भाई, यहां तक की बात बताओ सबको क्लियर है कि नहीं है। नहीं कुछ देखो लर्न मत करो, जो जो सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सोच के चलो, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है उसे दूर करेंगे, कंफ्यूजन को भाई कंफ्यूजन को भगा देंगे। दो बच्चे बोलो, दो बच्चे कौन है जिनको नहीं पता चल रहा, जल्दी जल्दी बोलो भाई सारे बच्चे, ये दो बच्चे बच गए हमारे, यस बोलो फटाफट या नो बोलो, बट सर डी मैटर करता है, मैं ये नहीं कह रहा बेटा मैटर करता है, देखो ये रिजल्ट है आपका, मैटर करता है बट अभी हमारा फोकस इस बात पे है कि ये एपी है या ये एपी नहीं है, ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं। मल्टीप्लाई करके कैसे हो सकता है, अरे डी में मल्टीप्लाई हो गई 2D हो गया, आप देखो कैसे हो सकता है, आपके सामने हो रहा है, देखो भाई हमने आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई हमने गड़बड़ करी है,
चलो मैं एक और काम करके दिखाता हूँ आपको अभी, ठीक है? ये बढ़िया काम होगा, आप सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड करो 4 से, सिंप्लीफाई करें। और अब तो डिवाइड करा है, अब तो हालत खराब होने चाहिए या नहीं? बिल्कुल इमरान, आप सही कह रहे हो। तो आप देखो बच्चों, आप देखो क्या ये एपी है या नहीं। और मैं समझाने के लिए, क्योंकि आपको डेसिमल में शायद आसान लगे, चेक करो, चेक करो। ओके है, बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। चैतन्य वोरा बिल्कुल है, मोनू बाबू बिल्कुल है। सर अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ ए कॉन्स्टेंट विद एपी डजंट चेंज द एपी। यस यस बिल्कुल, तुम तो मैथमेटिशियन हो गए मेरे लाल, इतनी तगड़ी इंग्लिश बोल दी तुमने। सर इसका मतलब यह है कि अगर हम एक कॉन्स्टेंट, राजनंदन सोनी कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एक कॉन्स्टेंट नंबर से सबको मल्टीप्लाई करें या सबको डिवाइड करें या एड करें या माइनस करें तो वो एपी रहेगी। ये बात तो मैं बोलने वाला था बेटा, तुमने ही बोल दी पहले। बहुत बढ़िया, महान बच्चे हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही तो समझाना चाह रहा था। और अब आप जरा देखो इस बात को, इस बात को देखो, इफ ए कॉन्स्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है जी, पहली बात हो गई। इफ ए कॉन्स्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। प्लस करो तब भी एपी, माइनस करो तब भी एपी, मल्टीप्लाई करो तब भी एपी, और जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो से डिवाइड करो तब भी एपी ही रहेगी। ठीक है तो बच्चों, ये बात हमारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे 5 बच्चे बोलोगे जल्दी से, 4 बच्चे कहाँ हो गए, जल्दी जल्दी बोलो। नॉन जीरो का मतलब यह है बेटा, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो से करने से कुछ होगा ही नहीं बेटा। जीरो से मैथमेटिक्स में डिवाइड करने की परमिशन नहीं होती, इसलिए उन्होंने नॉन जीरो बोला है। मल्टीप्लाई में नॉन जीरो की कंडीशन क्यों नहीं है? मल्टीप्लाई जीरो से कर दो तो एपी रहेगी। हाँ एक गुड क्वेश्चन आया भाई, यहाँ पे एक बढ़िया बात आई है अभी, ये बात आई ना बढ़िया। नहीं स्क्वायर वाली बात हमने बोली ही नहीं बेटा, स्क्वायर का ऐसा हमने कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, नहीं 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 स्क्वायर का कुछ नहीं है। सुनो भाई एक बात सुनो, क्वेश्चन ये आया है मेरे मन में अभी अभी, कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि अगर एक ऐसी एपी होती तो क्या इसे हम एपी कहेंगे? क्या ये एपी है या नहीं है, क्वेश्चन ये है। ओके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो एपी होगी शायद। नहीं नहीं मल्टीप्लाई क्या हुआ है, हमने तो बस 2 लिखा है, बस एक नंबर। ये बिल्कुल एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, क्योंकि इसमें 0 ऐड हो रहा है या 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इस हिसाब से अनंत, अगर सब में मैंने 0 की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या ये एपी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, बताओ? 0 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
भी एक एपी होना होता है विद कॉमन डिफरेंस जीरो। आई थिंक बात क्लियर हो रही है बच्चों, दिमाग में जा रही है आराम से? नहीं देखो, मैंने मैथमेटिक्स में बेटा एक बात समझी है आज तक, जितनी छोटी छोटी बातें आती है ना हमको समझ में, उतना ही मजेदार होना शुरू होता है। हमें जितने क्यों पता होंगे ना, जितने क्यों पता होंगे, ऐसा क्यों क्या, तो उतना ही मैथ्स आसान होता जाएगा। जितना याद करना पड़ेगा, जितने फॉर्मूलों से चलोगे, उतनी टेंशन। अभी आप देखो, अभी तक एक भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है और ना हमने कोई थ्योरम बताई है।
ठीक है, तो अगर हम नंबर्स के बेस पे चलते हैं तो आसान होता चला जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या डिफरेंस ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ले लो एक नंबर, ये ले लो, फिर इससे अगला ले लो, इससे अगला ले लो, बिल्कुल एपी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एपी तो एपी है। और बताओ, इसे लिख सकते हो 10 की पावर 4, फिर आ जाएगा 10 की पावर 4, फिर आ जाएगा। आप देखो क्या ये एपी है कि नहीं है, बिल्कुल एपी है। तो कॉमन डिफरेंस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्टेंट है, बात बन जाए। ठीक है जी। अच्छा फिर सिंगल ये कह रहे हैं सर अगर हम एक कॉन्स्टेंट नंबर में से एपी के टर्म्स सब्ट्रैक्ट या माइनस करें तो एपी। ना ना ना, टर्म्स में से माइनस प्लस अलाउड है, जीरो से डिवाइड होने के बाद भी एपी लगा। नहीं नहीं, जीरो से डिवाइड करके मैथमेटिक्स में जीरो से डिवाइड करके खुद ही बता दो नॉट डिफाइन आएगा। जो चीज ही नॉट डिफाइन है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, नाम ही नॉट डिफाइन हो गया तो कैसे करेंगे भाई। जिस चीज का नाम आपने बोला नॉट डिफाइन है, जो चीज ही डिफाइन नहीं है उस पर कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, ये बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर मैं इन्फिनिटी में 2 ऐड कर रहा हूँ, एक बच्चा बोला मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, बताओ मैं रिजल्ट क्या लिखूं भाई। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन, इट्स नॉट एन नंबर, इट्स ए फीलिंग, ये एहसास है, अंदाजा लेते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है एक बार बात बन जाए। क्वेश्चन ये है कि √2, √3, √4, √5 एक एपी है या नहीं। आंसर है बेटा नो, नहीं है, क्योंकि आप देखो क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। समझ में आ गई बात। और बताओ भाई, कुछ तरह कुछ तरह जो दिक्कत हो किसी के मन में, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बात रटी रटाई चल रही है, याद करी जा रही है। रूट सॉल्व करके डिफरेंस सेम नहीं है, हाँ रूट सॉल्व वो भी नहीं रहा, इरेशनल नंबर है। हाँ सुनो, लो एक मिनट, पहले बोला था कि कॉमन डिफरेंस डिसाइड नहीं करता कि एपी, अरे कॉमन डिफरेंस ही डिसाइड करता है एपी है। मैं ये कह रहा था कॉमन डिफरेंस, उस वक्त हम ये कह रहे थे कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है ये मैटर नहीं करता, कॉमन डिफरेंस तो होना ही चाहिए, अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो एपी नहीं है। कितना है ये मैटर नहीं करता, है ये नहीं, ये मैटर करता है। कॉमन डिफरेंस रिलेशन नंबर आयोटा हो सकता है, हो सकता है कॉमन, हो सकता है, हो सकता है। आप ये देखो, लो सुनो, अब बताओ एपी है या नहीं, बताओ भाई एपी है कि नहीं है भाई। रूट टू प्लस हुआ, फिर रूट टू प्लस हुआ, रूट टू प्लस हुआ, हाँ राजनंदन एपी है बिल्कुल, अगर रूट सिर्फ 2 पर है तो ठीक है एपी है। सो एपी में क्या होना है, एक ही चीज प्लस या माइनस होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस नाम देखो कॉमन होना चाहिए, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। सेकेंड माइनस वन फर्स्ट करो, थर्ड माइनस सेकेंड करो, फोर्थ माइनस थर्ड करो, डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है। अब बात क्लियर हुई बेटा, बताओ आप सबको क्लियर हो गई बात। रूट थ्री के साथ कॉन्स्टेंट डिफरेंट है, हैं? रूट थ्री के साथ कौन सा कॉन्स्टेंट डिफरेंट है, अरे आप ये देखो ना बच्चे, यह देखो सुनो एक मिनट, इसमें रूट टू प्लस हुआ, फिर रूट टू प्लस हुआ, अभी रूट टू में रूट टू प्लस करोगे तो 2√2 आ जाएगा ना, फिर रूट टू प्लस हुआ तो कितना आ गया 3√2, फिर रूट टू प्लस हुआ तो कितना आ गया 4√2। एक ही चीज प्लस होती जा रही है तो कॉमन डिफरेंस, वेयर डिफरेंस इज सेम एपी इज देयर, बिल्कुल अगर डिफरेंस सेम है तो वो एपी है। दिव्यांशी क्लियर हुआ बच्चे, नहीं हुआ बताओ अभी। एपी टेंथ थोड़ी कम, अब ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां देखो बच्चे 147 एपी है या नहीं है, बताओ एपी है या नहीं। ठीक है
और इन दोनों का सम देखो किसके इक्वल आ रहा है, इसके डबल के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1 + 7 किसके इक्वल आया? ट्वाइस ऑफ 4। तो बच्चों एक बात याद रखना, अगर कोई एपी होती है, अगर कोई भी एपी है, उसकी कोई भी तीन टर्म्स है, तो ए प्लस सी फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेकंड के ट्वाइस के इक्वल होगी हमेशा। रट लो, लिख लो, याद कर लो, कैसे भी समझ लो, समझ लो, लिख लो, रट लो, घोट लो, खा जाओ, पी जाओ, जो मर्जी करना है करो। चेक करो भाई, आप देख लो ये झूठ लग रहा है, रटने वाली बात है या समझने वाली बात है। मैं तो बोल के पी गया, बिल्कुल सही है। हाँ ये भी एक तरीका है एपी को चेक करने का, ठीक है, समझने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गया। 2√3, 4√3, 5√3 एपी होगा, बिल्कुल एपी होगा। √3, √3, √3 प्लस होता जा रहा है दृष्टि, बिल्कुल होगा एपी। लिखा कैसा आपने इतना सारा ये, लेकिन रूट रूट लगा के इतना मुश्किल सा। चलो जी, हाँ जी, क्वेश्चन आता है सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम बोला है। देखो यहां ध्यान देना बच्चों, ये फ्रॉम भी बोल सकते हैं, बिटवीन भी बोल सकते हैं, बड़े चालू होते हैं ये क्वेश्चन बनाने वाले। भाई मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो बड़े चतुर होते हैं। ये कह रहे हैं 1 से लेके 2001 तक, तो 1 आया, 1 के बाद कौन आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद कौन आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद कौन आएगा? 7 आएगा, 7 के बाद कौन आएगा? 9 आएगा, 9 के बाद कौन आएगा? 11 आएगा। ऐसे ही आते रहेंगे, कब तक आएंगे, कब तक आएंगे, कब तक आएंगे? इनका सम निकालना है। चलो इसका सम निकाल लेंगे, अभी निकालेंगे। इससे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं, कृष, बिल्कुल बढ़िया बेटा। इससे पहले हम एक बात करना चाहते हैं आपसे, आराम से इधर, बड़ी सिंपल सी बात। अरे बात बिल्कुल कर लेंगे, एन बताओ कितना होगा। सुनो पहले मेरी बात तो सुन लो बच्चों, क्या आपने कभी ये ध्यान दिया? ऑड नंबर में मैंने एक ऑड नंबर लिखा, फिर मैंने दो ऑड नंबर लिखे, फिर मैंने तीन ऑड नंबर्स लिखे, फिर मैंने चार ऑड नंबर्स लिखे, इनका सम देखना कितना आ रहा है। जब एक नंबर लिया तो एक आ रहा है, दो लिया तो चार आ रहा है, तीन लिया तो 9 आ रहा है, चार लिया तो 16 आ रहा है। जब एक ऑड नंबर होता है तो 1 का स्क्वायर आता है, दो ऑड नंबर होते हैं तो 2 का स्क्वायर आता है, तीन ऑड नंबर होते हैं तो 3 का स्क्वायर आता है, चार ऑड नंबर होते हैं तो 4 का स्क्वायर आता है। आप चेक करते रहो, ये देखो ये मजेदार बात क्या आ रही है, ये देखो आपके सामने खेल चल रहा है। अब देखो मैं ऐड ही नहीं कर रहा, मैं इतना आलसी हूं, मैंने ऐड ही नहीं करा, मैंने देखा कितने ऑड नंबर है, 5, तो मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर ही आ रहा होगा। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर्मूले से बेटा कैसे भी निकालो आएगा तो यही, लेकिन क्या ये हमने ऑब्जर्व करा? भाई ये काउंटिंग हम बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, पर क्या हमने ध्यान दिया ऐसा होता है? लो अब मैं इन्हें देख ही नहीं रहा कितने हैं, ये देख ही नहीं रहा, काउंट करो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है तो 81 ही आएगा, पक्की बात है। चेक कर लो, अनंत बिल्कुल सही बात है। बट इट इज ओनली एप्लीकेबल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ओनली। हाँ ट्रिक है, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे ऐसा क्यों होता है, अभी इसका कंसेप्ट भी बता देंगे बेटा। भाई ये हो रहा है ये तो हमने देख लिया, अब मेन बात ये आती क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? भाई कोई तो कारण होगा ना इसका, है ना, कारण भी तो पता चलना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये। हो रहा है तो ठीक है, सही बात है। अरे ये तो बेटा ऐसे हजारों लाखों बनाएंगे, अभी तो देखो तुम जरा। चलो पहले जरा ऐसे निकाल लेते हैं। अच्छा एक और बात बताओ बच्चों, एक और बात बताओ, मैं अगर बात करूं
काउंटिंग की, काउंटिंग तो आती है ना हम लोगों को, 100 तक की काउंटिंग, 100 तक की काउंटिंग किस बच्चे को नहीं आती बता, आती है बताओ, आती है सबको, नहीं आती, आती है ना, ठीक है। 1 से लेके 100 तक इवन नंबर कितने होते हैं? ओके, ऑड कितने होते हैं? ऑड कितने होते हैं? और अगर 1000 होते तो, अगर 1000 होते तो 500 500 हो जाते, और अगर 2000 होते तो 1000 1000 हो जाते, और अगर 2001 होंगे तो इवन ज्यादा होंगे कि ऑड ज्यादा होंगे? भाई पहले ऑड आता है तो ऑड पहले आएगा, ऑड ज्यादा होंगे ना, तो इवन तो होंगे 1000 और ऑड कितने हो जाएंगे? 1001। सही है भाई, ये बात समझ में आ रही है सबको, नहीं आ रही? और है क्या ये ऑड इंटीजर, तो इनका सम कितना आएगा? अभी अभी तो सिखाया था, खत्म बात। पर ऐसे मत कर जाना स्कूल में, तो स्कूल में कौन समझाएगा उनको ये सारी बातें, है ना, वहां थोड़ी समझाओगे ये सब भाई, वहां आप बोल के तो बता नहीं सकते, आपको लिख के बताना, जितना सारा कैसे लिखोगे कि हमें ट्रिक पता है, हमें ये पता है। हाँ ये टीचर काट देंगे बिल्कुल, कहना हर्षित मैं काटूंगा नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारी कॉपी तो मैं ही चेक करूंगा, मैं तो नहीं काटूंगा, मैं तो समझ जाऊंगा कि भाई ये तो तुमने करा है। हाँ मेंटल मैथ्स के लिए बेस्ट है, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात, तो हम ये नहीं करेंगे वहां पे। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, तो बच्चों मेन चीज तो क्या है, कॉन्सेप्ट की होती है, फर्स्ट टर्म आपके पास ए है और आपको नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं पता कि भाई कौन सी टर्म है 2001। मान लो इमरान अभी बताएंगे बेटा इस बारे में भी कुछ, तो nth टर्म का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और आपकी एपी क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही, आपके नेट में कोई दिक्कत हुई होगी बेटा, मेरी आवाज में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि मेरा मेरा नेटवर्क बहुत 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 हाई लेवल का है। बताओ कोई बच्चा किसी को दिक्कत आ रही है, जब होगी तो मैं अपने आप बता दूंगा। तो बेटा आप नेटवर्क को थोड़ा सा चेक करो, देखो सारे बच्चे कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सो आप देखिए एन माइनस वन कितना, चैतन्य गलत कर रहे हो आप मेरे लाल, मैं सोच रहा हूँ तुम पहले अपने आप ही सही कर लो, लेकिन तुम बार बार आंसर दे रहे हो तो मुझे बताना पड़ेगा कि आपने गलत कर दिया है। आप देखो एन की वैल्यू कितनी आ गई, अब आपको सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, अक्षत जैन गलत कर दिया है आपने, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, टू को एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, टू को उधर ले जाकर डिवाइड कर लो, ठीक है, शिवम सही कह रहे हो आप, अभी बता रहे हैं आपको इसमें, तो ये हो गया आपका एन कितना है, 1001 अपॉन टू, और फर्स्ट प्लस लास्ट, सॉरी लास्ट टर्म कितना आया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जरा सुनो,
दुनिया में किसी भी नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करने का तरीका पता है आपको क्या होता है? चलो मैं और कोई नंबर लिखता हूँ, 4784, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है मुझे 1001 की, तो पता है क्या करो, 4787 लिखो और फिर से 4787 लिख दो, आंसर आ जाएगा। चेतन ने बढ़िया सोच रहे हो बेटा, बढ़िया सोच रहे हो, बढ़िया सोच रहे हो। अब 1001 की 1001 से ही मल्टीप्लाई करनी है तो और भी आसान हो जाएगा, 1001 लिखो, 1001 लिखो, आंसर आ जाएगा। चेक करो, भाई समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है ये बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अच्छा और एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें, छोटी छोटी बातें, एक और सीक्रेट हो जाए, चलो ये नोट कर लिया होगा आपने। अभी तुम ना तुम्हारे को एक बढ़िया बात बताते हैं, मैंने लिखा बेटा 2 9 7 3 × 7 × 11 × 13, कोई बच्चा कैलकुलेटर यूज ना करे बताओ क्या आंसर आएगा? बेटा वैदिक वैदिक कुछ नहीं है, बस सिंपल ही होती है, कोई अलग से मैथ नहीं है इसका, ये तो काउंटिंग है, पांचवी तक के मैथ में होता है। अच्छा चलो भी बच्चों, सीक्रेट में सीक्रेट सुनते रहो, तो अगर पसंद आए, अगर मैं आपसे कहता ये निकालो तो निकाल दोगे? चलो अनंत सही बात है, ये बताओ ये वाला, ये निकाल दोगे? 2 9 7 3 2 9 7 3, ठीक है जी, निकाल दोगे ना, निकाल दोगे सब, कोई परेशानी नहीं, दृष्टि में गलती हो गई कहीं पे, कुछ निकल गया बताओ? अरे बच्चों यही तो वत्सल ने पकड़ ली बात, इन तीनों की मल्टीप्लाई भी यही होती है, आंसर वही आएगा जो अभी आ रहा था, ये ध्यान रखना, इन तीनों की मल्टीप्लाई 1001 होती है। वो नंबरों के साथ है ना कहानियां जुड़ी हुई है, किससे जुड़े हुए, खेल जुड़े हुए इनके साथ, मैजिक है। समझ में आई बात नहीं आई बताओ बच्चों? बताओ चलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे माहिर ये तो बताया बेटा, कभी भी आ जाए तो इसको ऐसे अप्लाई कर देना, अब हर जगह तो एक ही चीज नहीं लगती ना भाई, आप हर बॉल पे सिक्स एक ही शॉट से तो नहीं मार सकते, बॉल अलग आएगी तो हम अलग शॉट खेलेंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया आया अभी भाई, एक बच्चे ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, मैं जरा उस बच्चे की बात को आपके सामने पेश करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर इवन नंबर में अप्लाई होगा क्या ये, बताओ 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 माहिर, अरे कितने माहिर हो ये बताओ। चलो मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से, सुनो 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 बात को ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, पसंद आए तो सुनो, समझ आए तो सुनो। माहिर कोशिश बढ़िया है,
लेकिन थोड़ी सी और माहिर होके दिखाओ। चलो मैं बताता हूं भाई, ये तो 2 ही आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। बात नहीं बन रही ना भाई, बात बनती नहीं है, बात बनाई जाती है। क्या बोला मैंने? बात बनती नहीं है कभी भी, बात बनानी पड़ती है। ये कितने इवन नंबर है? एक एक के स्क्वायर में एक ऐड कर दो। ये कितने? दो हैं, तो दो के स्क्वायर में दो ऐड कर दो। ये कितने हैं? तीन। तीन के स्क्वायर में तीन ऐड कर दो। ये कितने हैं? चार। चार के स्क्वायर में चार ऐड कर दो। मतलब इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है? उसी के स्क्वायर में एन को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा हमेशा। भाई ऑड में तो एन स्क्वायर से आता है, इवन में एन स्क्वायर में एन ऐड कर दो। चेक कर लो भाई, अगर मैं 20 तक जाऊंगा तो 10 ऑड नंबर हो गए, तो आंसर क्या आएगा? 10 के स्क्वायर में 10 ऐड कर दो। और क्रिश बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, एन स्क्वायर प्लस एन की जगह एन इंटू एन प्लस वन कर दो। जैसे एक है तो एक इंटू दो कर दो, दो है तो दो इंटू तीन कर दो, तीन है तो तीन इंटू चार कर दो, चार है तो चार इंटू पांच कर दो, 10 है तो 10 × 11 कर दो। बिल्कुल आपने अपनी ट्रिक बना ली। कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है, ऐसे भी तो हो सकता है भाई। बताओ आपके सामने ही है, कोई फॉर्मूला तो नहीं चल रहा? हम तो आपके सामने निकाल निकाल के बता रहे हैं आपको। ये सही है अनंत, कह दे सारे नंबर का ही बता दो, सारे नंबर का कहां से बता दो? सारे नंबर के लिए एक ही का फॉर्मूला दे रखा है ना, कंसेप्ट इज पावर। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, कंसेप्ट ही पावर है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बड़े आराम से समझ सकते हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं इसके बारे में, कि अगर आप इसे समझना चाहते हो तो देखो भाई आपको, हाँ, आनंद बिल्कुल सही, आपको ये देखो 1, 3, 5, 7 का तो पता था, पता है कि नहीं पता? ये तो अभी भी सीखा था आपने, है ना। अगर ये 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, पता है कि नहीं पता? अब आप ये देखो, अगर मुझे इवन का निकालना है तो 3 नंबर में 1, 1, 1 प्लस हो गया ना, तो इसलिए 3 और प्लस करना पड़ गया बस। भाई ऑड वाले से इवन का हमने फॉर्मूला निकाला है, ये ट्रिक निकाली है भाई। अगर मुझे 3 ऑड नंबर इवन नंबर निकालने हैं तो पहले 3 वालों में एक एक ऐड और कर दो, तो इसलिए 3 आ गया। एक है तो एक बार ऐड होगा, दो है तो दो ऐड हो जाएंगे, तीन है तो तीन ऐड हो जाएंगे, चार है तो चार ऐड हो जाएंगे। लो अनंत कह रहे आपने कितनी मैथ पढ़ी है, तो मैथ कहाँ पढ़ी है, अभी तो सीख रहे हम लोग सब। आप चेक करो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। हम कहते याद करो ही मत, आप सिर्फ सोचो, देखो समझ में आ जाए तो मान लो, नहीं आ रहा तो मुझे बता दो, मैं कोशिश करूंगा समझाने। ठीक है, ओके चलो और आगे चलते हैं, तो चर्चाएं चलती रहेंगी। मैथ्स में लॉजिक होता है, चेतन ने बिल्कुल सही कह रहे, मैथ्स में लॉजिक ही होता है, और वो लॉजिक हमें हमें कई बार दिखता है, कई बार हमें नहीं दिखता। लो मैं तुम्हें, चलो जब बात चलिए तुम्हें एक और बता देता हूं। मुझे एक बार बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो जैसे समझ में आना शुरू होता है ना वैसे ही इजी हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं स्क्वायर निकालूं, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे बता, निकालो। कम लग रहा है, छोटा नंबर है ये तो, अब निकाल। हाँ ये मैंने बताया था, बताओ फिर। एक बच्चे कह रहे मैंने बताया हुआ है, तो बताओ फिर मुझे बताओ। चैतन्य होगी तो सही है, क्या है ये बताओ। ये तो मान लिया आपकी बात हमने, होगी।
हाँ ये बात, ये आया लड़का निकल के, इमरान ने बता दिया बिल्कुल सही। बिल्कुल बताया था मैंने बेटा, बिल्कुल बताया था, सही कह रहे। तो बच्चों सुनो, क्रिश इतनी मेहनत करोगे मेरे लाल, इतनी मेहनत, ना ना मुन्ना ना, हम इतनी मेहनत ना करवाएंगे आपसे। मेहनत को बचा के रखो, बढ़िया बढ़िया चैप्टर आएंगे अभी तो, और ट्रिगो में करवाएंगे मेहनत, बहुत 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 मेहनत, बहुत पसीने निकल जाएंगे ट्रिगो में, ट्रिगो और करवाएंगे हम दोबारा से, ट्रिगो में सिर में से जो है ना पसीना निकलेगा, इतनी ट्रिगो होगी। देखो बच्चों, अच्छा मुझे एक बार बताओ, 11 की ट्रिगो 10 से इजी? अरे मेरे लाल, आंखों में आंसू निकल आएंगे ट्रिगो चलेगी जब। ठीक है सुनो, 11 की ट्रिगो में आंखों में से आंसू निकल आएंगे तुम्हारे। अभी हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं है, पढ़ाएंगे ना, देखना तुम क्यों भी कोमल बताएगा। कोमल बेटा कैसी ट्रिगो? कोमल कोमल से पूछा, रुट करके पूछवाते ये बच्चा बताएगा, रुद्र बताएगा, रुद्र कोमल तुम बताओ कैसी है बेटा ट्रिगो। सर हाँ अलग है थोड़ी, वो हाँ वाले जो फॉर्मूले पढ़ाए थे उस क्लास में सर, वो तो दिमाग खराब दिमाग खराब हो जाता है। हाँ रुद्र, सर। रुद्र बता रहे, कोमल बोल रहा है। सर रात को नींद वही चलता रहा था कि ऐसे होगा ये फॉर्मूला, ऐसे ये मैं एन अपने डबल हो नाम के को यहाँ है। जस्टिफाई करता है चैप्टर नाम को जस्टिफाई करता है। देख लो बच्चों सुन लो, अभी ट्रिगो पे आएंगे तब देखना, अभी पहले ये देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात, सारे बच्चे बता, ये तुम्हें आता है कि नहीं आता? बस इतना बता दो, ये आता है, ये पता है सबको, ये पता है ना, बहुत बढ़िया भाई। मुझे तुम यही बता दो कि हाँ मुझे ये आता है, आता है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि इस 81 में 9 कितनी बार आया, 8 कितनी बार आया, 0 कितनी बार आया और 1 कितनी बार आया? 9 तो आया, एक बार भी नहीं आया, 8 एक बार आया, 0 एक बार भी नहीं आया और 1 भी एक बार आया। मानते हो ये बात? ये बात मानते हो बच्चों? 0 1 0 1, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अनंत भी सुनो मेरे लाल, देखो जरा अभी तुम्हें बताते हैं बढ़िया चीज, ऐसा है पक्का? पक्का है ना? अच्छा अब यहाँ देखो बेटा, 9 कितने हैं, कितने 9 दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ कितने 9 दिखाई दे रहे थे? एक, पहले 1 9 था और अब 3 9 है। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला ये है, 1 9 कम कर दो तो कितने 9 बचे? 2, 2 9 बचे, उतने ही 0 लिख दो। ये काम करना आता है आपको? नहीं आता, कर लोगे काम? और ये जो 81 है ना, इसे फंसा के लिख दो, फंसा के, 8 और 1 फंस गया। चलो 99 को चेक करते हैं, 9 लिखा है 2 बार, तो एक बार 9 लिखो और एक बार 0 लिखो और 81 को फंसा। मैं बता रहा हूं आप यहां समझना, मुझे पता है वहां दिक्कत हो सकती है। अभी कितने 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 है, तो 1 9 कम कर दो, तो 9 बाद तो 9 को लिखो। ओके नहीं, बात है सनी बेटा, हाँ मान्या ने पकड़ ली बात। और उतने जितने 9 है उतने 0 लिखो, और 81 को फंसा दो, आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ, ये निकाल दोगे तुम? ये निकालो लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मान शिवम बेहतरीन, दृष्टि सब बढ़िया, दृष्टि 1 9 फालतू लगा दिया तुमने, क्योंकि ये 5 9 है तो 1 9 कम करना पड़ेगा।
चार बार नौ आएगा, इतनी ही बार जीरो आएगा, फिर 81 आ जाएगा। ठीक है, चेतन ने कहा सबके साथ होगा, ये बेटा सबके साथ हो जाए तो फिर मैथ्स क्या है? अरे हर नंबर की अलग खूबी है, हर नंबर की अलग खूबियां है, तो आप एक एक से डिसाइड नहीं कर सकते बेटा, ये तो बदलता रहेगा, जीवन में बदलाव आएंगे। आप एक एक तरीके से सबसे बात कर सकते हो दुनिया में, ये बताओ आप बेटा, क्या एक ही तरीके से दुनिया में बात की जा सकती होगा, करोगे, या एक ही बात सबसे कर सकते हो? कभी नहीं करा जा सकता। एक ही खाना पूरी दुनिया को खिला सकते हो? एक ही स्पीड से हमेशा चल सकते हो? अदल बदल होती है, सिचुएशन क्या है ये डिपेंड करता है, मानते हो इस बात को? चलो अच्छा ये बताओ भाई, 9 का क्यूब आता है आपको, नहीं आता पता? 9 का क्यूब पता है आपको? बताओ बच्चों, ठीक है, ओके जब 3 होता है ना तो 3 बार लिखते हैं, 2 होता है तो 2 लिखते हैं, 4 होगा तो 4 बार लिखेंगे, 5 होगा तो 5 बार लिखेंगे। फिलहाल कितनी बार है? 3 बार है, ठीक, 3 बार तो ये लिखेंगे, और फंसाएंगे किसको? फंसाएंगे किसको? देखो फंसने को तैयार कौन है? 729, 9 भी है, 9 भी फंसे, तो 9 कितनी बार आया? 0 बार। 7 कितनी बार आया? 1 बार। 0 कितनी बार आया? 0 बार। 2 कितनी बार आया? 1 बार। 9 कितनी बार आया? 1 बार। और ये वाला 9 नहीं, ये तो 0 बार आया, ये 1 बार। तो अभी देखो इसको कैसे करेंगे, लो ठीक है, तो 3 बार 9 लिखा, 3 बार 0 लिखा, फिर 3 बार 9 लिखा, पावर 3 है ना, तो इसलिए 3 बार कराई करेंगे, फिर किसको फंसाओगे? 729 को। चेहरे कहते सारी ट्रिक एक साथ कर लेना, सर वहां 49 क्यों आए? बेटा देखो आए तो 3 ही थे, आए तो 3 ही थे, चौथा तो वहां से आया निकल के 729 से, बेटा ये तो गवर्नमेंट बताएगी कब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी। ओके ओके ओके
चलो ठीक है, ये हो गया भाई, डन हो गया यहाँ तक, ठीक है इसे हटाते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब बहुत हो गया, ऐसे तो चीजें चलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 के मल्टीपल, लेकिन वर्ड देख लो बेटा यहाँ पे इन्होंने बड़ा केयरफुली बोला है, बिटवीन बोला है, तो 100 के बाद कौन आएगा, बिटवीन लेना है तो हम 100 को काउंट नहीं कर सकते, तो ये आ गया 110। ये लीजिए, ठीक है, और यहां पे देखें अगर हम, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, nth टर्म भी है, अगर हम देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 105, कॉमन डिफरेंस कितना है, nth टर्म कितनी है, तो बच्चों क्या आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, सारे बच्चे बताओ जल्दी से n की वैल्यू निकलेगी, निकालो निकालो सारे बच्चे n की वैल्यू, ओके निकालो निकालो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, चेक करो जल्दी से निकालो सारे बच्चे, मैं आंसर लिख रहा हूँ एन की वैल्यू, जब एन आ गया, पांच पांच कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, चेक करो कुछ गड़बड़ है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, 179 आनी थी, चेक करो कोई गलती हुई है बच्चों आप लोगों से जिनका आंसर नहीं आ रहा, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई परेशानी किसको, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ, पहले तो जरा पोल कर लें, चलो बताओ एक बार, ओके चलो सब बच्चे कहते समझ में आ गया, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, ये करोगे कोई और देखे, लो ये वाला करो चलो, ठीक है आपको बेटा देखो फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, और मजे की बात ये है कि उन्होंने बता रखा है कि एपी है और एसएन दे रखा है, आपके पास फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, तो आ गया हमारे पास कितना 1/2, ठीक, और एस एन दे रखा है माइनस का 25, तो कहते हैं एन की वैल्यू निकाल, निकाल पाओगे बच्चों, करोगे अटेम्प्ट बताओ, अरे वाह दिव्यांशी शिवम हर्षित गुप्ता सबने आंसर बढ़िया दिया था भाई, बहुत बढ़िया, इसे बताओ चलो,
ओके क्रिश बता रहे आंसर आ गया अभी, बाकी बताओ। कोई बात नहीं, करो 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 जल्दी से करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ये क्या रहा है, अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई बच्चे, काफी अलग अलग एन दे रहे हैं। नहीं देखो, एक तो एक बात बता दे बेटा कि एन हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। आप ही बताओ, किसी का रोल नंबर 0 होता है, 1.1 होता है। राजनंदन, नहीं बेटा एन गलत है। तो एन जो होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 इस तरीके से होती है, तो कभी भी अपॉन में तो आएगा ही नहीं, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ओके मैं देख रहा हूँ सबके आंसर, पर ये भी देख रहा हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है आप लोगों से। भाई क्वाड्रेटिक बन रही होगी, एक क्वाड्रेटिक की तो बन गई होगी बस, और तो कोई मुश्किल काम हुआ नहीं होगा इसमें, ये मुझे लगता है। ठीक है, यही आ रहा है, गलत कर दिया ना। हाँ गलती हो गई इसमें। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर ये कैसे आ गया। बेटा फॉर्मूला देखो ना, ये होता है 2a+n-1 × d होता है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है, -6, तो इसलिए माइनस का 12 आ गया। ठीक है कृष्णा, अब सही है, फैक्टर करो इसके, 25 होंगे। ओ बच्चे कह रहे हैं तो हम एलसीएम भूल गए। बेटा लॉकडाउन में लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, तुम तो एलसीएम ही भूले हो, कोई परेशानी नहीं है, ये तो चलता रहता है। ये लो, एन की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 5 या 20 कुछ भी हो सकती है, तो आप दे सकते हो उसमें, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नहीं होते तो नहीं मानते हम, दोनों नेचुरल है इसलिए मानते। ओके बेटा चलो यहीं तक करते हैं आज बस, है ना। हाँ आज इतना ही करते हैं, टाइम का पता नहीं चला। अरे वाह भाई, आप लोग इतने इंटरेस्टिंग बातें करते हो, टाइम को पता ही क्या चलेगा, इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज करते हो, बातें बताते हो। अच्छा नोट करने दो, ओके नोट करो, चलो जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम है बस।
चलो ठीक है,